हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने यूट्यूब वीडियो के लिए एचडी क्वालिटी में थंबनेल कैसे क्रिएट करें। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो स्पेशली मोबाइल यूजर्स के लिए। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ओपन करना होगा। तो गाइस, यहाँ पर हम सर्च करेंगे कैनवा। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है कैनवा। तो गाइस, ये वीडियो कैनवा की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि गाइस इस एप्लीकेशन में खुद भी यूज़ करता हूँ। तो गाइस, हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइस, इसे हम ओपन करेंगे। अब गाइस, यहाँ पर हम साइन अप कर लेंगे किसी भी मेथड से। तो गाइस, आप चाहें तो फेसबुक से भी साइनअप कर सकते हैं, गूगल से भी साइनअप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से और ईमेल से भी। तो गाइस, मैं गूगल साइनअप करके आगे बताता हूँ आपको। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली साइनअप हो चुके हैं। अब गाइस, यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल। तो गाइस, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये यूट्यूब थंबनेल, इसे हम क्लिक करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनवा की तरफ से आपको कई सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। गाइस, इन्हें भी यूज़ करके आप अपना थंबनेल बना सकते हैं। बट गाइस, मैं मैनुअली क्रिएट करूँगा। तो गाइस, मैनुअली क्रिएट करने के लिए हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पास ये ब्लैंक स्क्रीन आ चुका है। गाइस, अब हम इसमें थंबनेल के लिए कुछ फोटो ऐड कर लेंगे। फोटो ऐड करने के लिए गाइस, हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे अपलोड्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड मीडिया। तो गाइस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अपनी गैलरी पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप फोटो क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं चलता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने थंबनेल के लिए कुछ फोटो ऐड कर लिए हैं। अब गाइस, हम सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करें। तो गाइस, हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, देख सकते हैं ये हमारा बैकग्राउंड ब्लैंक स्क्रीन पर आ चुका है। गाइस, अब हम इसे अपनी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से भी हम बड़ा कर लेते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं हमारा इजीली एडजस्ट हो चुका है। अब गाइस, यहाँ पे हम दोनों फोटो ऐड करेंगे जो हमने पहले ऐड करे थे। तो गाइस, इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसे हम थोड़ा साइड में कर लेंगे यहाँ पे। अब गाइस, हम एक और फोटो ऐड कर लेंगे, इसे भी हम छोटा कर लेंगे और यहाँ पे साइड में एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं इजीली एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए गाइस, हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब गाइस, आप यहाँ पे अपलोड के बगल में देख सकते हैं टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइस, आपको यहाँ पे कई सारे टेक्स्ट वैसे ही मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। गाइस, मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ ऐड हेडिंग पर क्लिक करके। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट डाल लेता हूँ, जैसे हाउ टू। गाइस, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं अभी ऐसे डाल लेता हूँ। अब गाइस, यहाँ पे मैं और टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। और टेक्स्ट ऐड करने के लिए वही सेम मेथड होगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड कर लिया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लिए हैं। गाइस, अब हम इसे एडिट करेंगे। तो गाइस, मैं इसमें सारे टेक्स्ट को एक साथ एडिट करूँगा। तो गाइस, सारे टेक्स्ट को एक साथ एडिट करने के लिए हम एक टेक्स्ट पर क्लिक करके रखेंगे थोड़ी देर तक। तो गाइस, आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइस, हम यहाँ पे नीचे वाले टेक्स्ट को क्लिक कर लेंगे। ऐसे करके हम सारे टेक्स्ट को क्लिक कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब गाइस, यहाँ पे हम इसका फॉन्ट स्टाइल एक साथ चेंज करेंगे। तो गाइस, फॉन्ट स्टाइल नीचे देख सकते हैं आप ये फॉन्ट। अब गाइस, यहाँ पे आप जो चाहें यहाँ पे अपनी मर्जी से अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। गाइस, इसे सिलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, देख सकते हैं हमारा सारा एक साथ फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। तो गाइस, मैं इनका कलर चेंज करूँगा। तो गाइस, कलर चेंज करने के लिए मैं जिसका भी कलर चेंज करूँगा उस टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कलर पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब गाइस, मैं इसे वाइट कलर दे देता हूँ। अब गाइस, देख सकते हैं ये हमारा वाइट कलर हो चुका है। अब गाइस, इसे डन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, अब मैं इसके नीचे वाले टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा, इसे हम क्लिक करेंगे। अब गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा वही मेथड करेंगे। अब गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो ही कलर दिए गए हैं। गाइस, अब हम अपने हिसाब से कलर चूज करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों कलर के बगल में प्लस का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब अपने हिसाब से हम कलर चूज़ कर लेंगे। तो गाइस, मैं इसे येलो कलर दूंगा। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने कलर चूज़ कर लिया है। तो गाइस, अब मैं सबका कलर चेंज कर लेता हूँ। अब गाइस, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबका कलर चेंज कर लिया है। तो गाइस, अब हम यहाँ पे इसे एडजस्ट करेंगे। तो गाइस, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे ले आता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया है। तो गाइस, अब हम यहाँ पे यूट्यूब का PNG ऐड करेंगे। तो गाइस, PNG ऐड करने के लिए हम यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे यूट्यूब। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें कई सारे यूट्यूब के PNG मिल गए। तो गाइस, मैंने आपको ये एप्लीकेशन इसलिए सजेस्ट करी थी क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, जैसे स्टॉक फोटोज़, किसी भी एप्लीकेशन का लोगो, सब आपको यहाँ पे मिल जाता है इसी एप्लीकेशन में। आपको इसमें बाहर से कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, मैं यहाँ पे यूट्यूब का ये वाला PNG ऐड कर लेता हूँ और इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं इसका कलर वाइट कर लेता हूँ। तो गाइस, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। अब गाइस, मैं इस PNG को थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ
तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे PNG को भी एडजस्ट कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे मैं टेक्स्ट में थोड़ा सा आउटलाइन ऐड करूँगा। गाइस आउटलाइन ऐड करने के लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइड में आएंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई भी इफेक्ट्स लगा सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पे ये वाला इफेक्ट चूज़ करता हूँ और इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टेक्स्ट के पीछे शेडो आ चुकी है। तो गाइस हम सब में ये शेडो अप्लाई कर लेते हैं। तो गाइस सब में ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक किसी भी एक टेक्स्ट पे क्लिक करिए, बाकी आप नीचे क्लिक करते जाइए, ये अपना आप सिलेक्ट हो जाएंगे टेक्स्ट। मैं इसे भी चूज़ कर लेता PNG को। अब गाइस यहाँ पे दोबारा से हम जाएंगे इफेक्ट्स पे और गाइस यहाँ पे हम लिफ्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते इसे हम एडजस्ट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो गाइस अब आप देख सकते हैं हमारा ये थंबनेल कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों पिक्चर है, हम इन दोनों पिक्चर में फ्रेम ऐड कर लेंगे जिससे ये थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो गाइस हम यहाँ पे फ्रेम ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइंस एंड शेप्स। तो गाइस हम इस पर सी ऑल पे क्लिक करेंगे। अब गाइस नीचे आएंगे हम, मैं ये वाला फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ। गाइस मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ रेड में। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसका कलर भी चेंज कर लिया। अब गाइस अब हम इसे अपने पिक्चर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो गाइस मैं अपने पिक्चर पे ले चलता हूँ। अब गाइस इसे हम अपने पिक्चर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पिक्चर में फ्रेम ऐड हो चुका है। अब गाइस हम ऐसे ही दूसरे पिक्चर में ऐड करेंगे। तो गाइस वैसे ही हम सेम मेथड से ऐड कर लेते हैं, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो गाइस अब हम इस थंबनेल को अपने फ़ोन में सेव करेंगे। तो गाइस अब हम इसे सेव करने के लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव का बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं सेव, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ये थंबनेल सेव होने लग जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल सेव हो चुका है। तो गाइस अब हम अपनी गैलरी में जाकर चेक कर लेते हैं। तो गाइस अब हम अपनी गैलरी में चेक कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ये थंबनेल सेव हो चुका है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।